भारत से जाकर अमेरिका में बसे भारतीयों ने खूब नाम कमाए हैं और उनकी मेहनत और लगन की वजह से अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। हमेशा या यदा कदा अमेरिकी भारतीयों की विजय गाथा अखबारों की सुर्खियां बनती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में कई भारतीयों ने दोनों पार्टियों से जीत कर अमेरिकी सदन में पहुंचे और रिकॉर्ड कायम किया। अब इसी क्रम में एक अमेरिकी भारतीय ने फिर अमेरिका में डंका बजाया है। देखिए रिपोर्ट। अभी हाल ही में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों का डंका बजा। इस मध्यावधि चुनाव में कई भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार दोबारा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं कई भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन में कई उच्च पदों पर विराजमान है। वहीं अमेरिका से आई एक और खुशखबरी ने तहलका मचा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीसी सर्किट अपील अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कावाना की जगह भारतीय अमेरिकी नेओमी राव को नामित किया। नामित राव को नामित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राव काफी काबिल हैं और इनका योगदान न्यायपालिका में बड़ा होगा। ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में दीपावली के जश्न के दौरान कही। हम आपको ये भी जानकारी देते चलें कि अमेरिका की डीसी सर्किट अदालत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। वहीं जज नामित होने पर नाओमी राव ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार प्रकट किया। अमेरिका के डीसी सर्किट अपील अदालत में श्रीनिवासन के बाद राव दूसरी भारतीय अमेरिकी हैं जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंची हैं। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि जहां भी भारतीय जाते हैं या रहते हैं, वहां पर अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ते हैं और उस देश को अपनी काबिलियत से लंबावित करते हैं। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि जहां भी भारतीय जाते हैं या रहते हैं, वहां पर अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ते हैं और उस देश को अपनी काबिलियत से लाभ पहुंचाते हैं।